हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप कोई ट्रैक बनाते हैं और ट्रैक में अगर आप कॉर्ड्स लगाना चाहते हैं तो कॉर्ड्स कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास कॉर्ड्स लगाने के लिए मेरे पास वर्चुअल गिटार है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसको आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और दोस्तों, जो इसका मुख्य काम होता है वो होता है कॉर्ड। इससे आप अच्छे तरीके से कॉर्ड्स लगा सकते हैं अपने ट्रैक में। अगर आपका कोई ट्रैक किसी भी स्केल में है तो उस स्केल में आप कॉर्ड्स यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये जो मेरा ट्रैक है, इसको सबसे पहले आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस पर आप कॉर्ड्स कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारा ट्रैक है, एफ मेजर पे है, इसका स्केल है एफ मेजर, और एफ मेजर के ऊपर हम यहाँ पे कॉर्ड्स लगाना आपको सिखाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रेसेट भी मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको कोई एक प्रेसेट यहाँ पे सेट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लोडिंग चल रहा है, तो लोडिंग हो चुका है, बहुत सारा प्रेसेट मिल जाता है, ठीक है। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ये हमारा सेलेक्ट है तभी आएगा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद में डबल क्लिक करेंगे तो हमारा नोट्स आ जाएगा यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। और हमारा जो ट्रैक है वो है एफ़ मेजर पे, तो एफ़ मेजर का हम यहाँ पे स्केल लगाएंगे, नोट्स यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप कॉर्ड्स यहाँ पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, इसका फार्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि क्या होता है फार्मूला एफ़ मेजर का या फिर एफ़ माइनर का। और ये ऑटोमेटिक दोस्तों यहाँ पे बन भी जाता है, इसमें आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका ऊपर नीचे कोई स्केल होता है तब उसको आप सही भी कर सकते हैं। तो ये हमारा इतना नोट्स ले लिए हैं, फिर उसके बाद में ये हमारा एट पे आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और इसको हम आगे तक बढ़ा देंगे। जितना हमारा ट्रैक है उतना हम यहाँ पे बढ़ा देंगे इसको। तो इसको हम यहाँ पे ले आए हैं। अब यहाँ पे ये हमारा जो कॉर्ड्स है यहाँ पे दोस्तों लग चुका है, ठीक है। एफ मेजर पे हमारा कॉर्ड्स यहाँ पे लग चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसको मैं अगर प्ले करूंगा तो यहाँ पे शो होगा, जो भी स्केल होगा यहाँ पे शो होगा। तो मैं केवल कॉर्ड्स को प्ले कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कॉर्ड्स बजेगा यहाँ पे शो करेगा। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एफ मेजर यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे दोस्तों, अगर हम यहाँ पे नोट्स को कुछ आगे पीछे करते हैं तो दोस्तों ये स्केल में नहीं बजेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखिएगा, स्केल में नहीं बजेगा, ये F7 करके कुछ यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। दोस्तों, मेरे पास मिडी नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ पे नोट्स में यहाँ इसको रख रहा हूँ केवल आपको समझाने के लिए। इसको मैं अगर ऊपर नीचे करता हूँ तब भी ये एफ मेजर पे नहीं बजेगा। जब इसको पूरे सेट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे रखा था वैसा ही करेंगे, तभी बजेगा। ये अब कुछ इस तरह से आ रहा है, ये हमारा ई मेजर पे बन जाएगा हमारा कॉर्ड्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं ई मेजर का कॉर्ड्स यहाँ पे हमारा लग चुका है। अगर इसको हम एक स्केल नीचे करेंगे या फिर एक स्केल ऊपर करेंगे तो हमारा एफ मेजर का कॉर्ड्स यहाँ पे बजेगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रेसेट आपको मिल जाते हैं, तो जो प्रेसेट आप यूज करना चाहते हैं उन प्रेसेट को आपको यूज कर लेना है यहाँ पे। तो इसको हम पहला वाला ही रखेंगे। अब चलिए हम आपको पूरे ट्रैक के साथ में इसको सुनाएंगे, ठीक है, पूरे ट्रैक के साथ में।
तो दोस्तों मैंने आपको पूरे ट्रैक के साथ में इस कॉर्ड्स को प्ले करके आपको सुना दिया हूँ, ठीक है। तो जिस स्केल में आपका ट्रैक होगा उस स्केल में आप यहाँ पे कॉर्ड्स को लगा सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक गिटार है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें भी आपको प्रेसेट यहाँ पे सेट कर लेना है। अगर इस पर बजाएंगे तो देखिए किस तरह से साउंड यहाँ पर करता है। यहाँ पर लोडिंग हो रहा है, तो ये हमारा लोड हो चुका है। अब इसको सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक गिटार्स का साउंड देखिए कैसा है। तो ये जो फर्स्ट वाला है वर्चुअल गिटार, इसका सभी यूज ही करते हैं, ठीक है। तो अगर आप कॉर्ड्स लगा रहे हैं तो इसका आप यूज कीजिएगा, वर्चुअल गिटार का काफ़ी बेस्ट है, ठीक है। किसी भी स्केल का आप यहाँ पे जो कॉर्ड्स है उसको आप लगा सकते हैं। मैंने आपको कॉर्ड्स लगाने का तरीका भी बता दिया हूँ और इसको इंस्टॉल करने का तरीका भी मैंने पिछली वीडियो में बता दिया हूँ। आई होप दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।